गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों हम आ गए अपनी एक और नई वीडियो लेके, और दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया के वो टॉप 5 गेमिंग कंसोल्स जिन्हें सबसे ज़्यादा खरीदा गया है और वो सबसे ज़्यादा बिके गए हैं। वो गेमिंग कंसोल्स, वो पॉपुलर गेमिंग कंसोल्स आज मैं आपको बताऊंगा वो कौन से टॉप 5 गेमिंग कंसोल्स हैं जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा खरीदा गया है। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। और पहली बात मैं बता दूँ कि सिर्फ उनके यूनिट्स कितने बिके हैं ये सिर्फ मैं आपको बताऊँगा, ना कि उन्होंने कितना पैसा कमाया ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसके बारे में मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों नंबर 5 पे जो गेमिंग कंसोल आता है वो है निंटेंडो का WII गेमिंग कंसोल, जिसकी रिलीज डेट है 19 नवंबर 2006। 2006 को कंसोल जो है रिलीज हुआ पहली बार जापान में, और इसका वर्ल्ड वार जो कलेक्शन था, मतलब वर्ल्ड वार इसके यूनिट्स बिके, वो थे 101.6 मिलियन। लगभग इसके यूनिट जो है अभी तक दुनिया भर में बिके हैं, और ये है नंबर 5 पे। दोस्तों नंबर 4 पे जो गेमिंग कंसोल आता है वो है सोनी का पहला गेमिंग कंसोल प्लेस्टेशन। जी हाँ दोस्तों, सोनी का पहला गेमिंग कंसोल प्लेस्टेशन आता है नंबर 4 पे, जिसकी रिलीज डेट है 3 दिसंबर 1994 में गेम पहली बार रिलीज हुआ था जापान में। देन उसके बाद इसकी कलेक्शन जो थी, इसके लगभग दुनिया भर में यूनिट्स जो बिके, वो यूनिट्स थे 102.4 मिलियन। इसके लगभग यूनिट्स दुनिया भर में बिके। और सोनी की एक बात बता दूँ, सोनी जो है पहले गेमिंग कंसोल सिर्फ और सिर्फ निंटेंडो के लिए बनाता था, फिर निंटेंडो और उसके बीच क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम, निंटेंडो अलग हो गया, सोनी अलग हो गया, और सोनी अलग होने के बाद सोनी ने अपना पहला गेमिंग कंसोल निकाला जो आज दुनिया के टॉप 5 गेमिंग कंसोल में से नंबर 4 पे आता है। तो नंबर 3 पे जो गेमिंग कंसोल आता है वो है निंटेंडो का गेम बॉय कलर। जी हाँ दोस्तों, निंटेंडो का गेम बॉय कलर जिसे हम कहते हैं GBC कहते हैं, GBC के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये आता है नंबर 3 पे, और ये एक हैंडलाइन गेमिंग कंसोल था, और इसकी रिलीज डेट है 21 अप्रैल 1989 को गेमिंग कंसोल जो है पहली बार रिलीज किया गया था जापान में। देन उसके बाद इसके जो लगभग दुनिया भर में यूनिट जो बिके वो यूनिट थे 118.6 मिलियन यूनिट्स इसके दुनिया भर में लगभग बिके, और ये आता है नंबर 3 पे। दोस्तों नंबर 2 पे जो गेमिंग कंसोल आता है वो है निंटेंडो का DS गेमिंग कंसोल। देन इसके बाद इसकी रिलीज डेट है 21 नवंबर 2004 को कंसोल जो है पहली बार रिलीज हुआ जापान में। देन इसके बाद इसके जो दुनिया भर में यूनिट्स जो बिके वो यूनिट्स थे 154 मिलियन यूनिट्स इसके लगभग दुनिया भर में बिके, और इसी के साथ साथ ये आता है नंबर 2 पे। दोस्तों जो नंबर 1 पे जो गेमिंग कंसोल आता है वो है सोनी का प्लेस्टेशन 2। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 पे आता है सोनी का प्लेस्टेशन 2, जिसकी रिलीज डेट है 4 मार्च 2000, और गेम कंसोल जो पहली बार रिलीज हुआ था जापान में। देन इसके को रिलीज हुए आज के ज़माने में हो गए 18 साल। जी हाँ दोस्तों, 18 साल हो गए ये जो है नंबर 1 पे अभी तक बना हुआ है। आज तक इसका रिकॉर्ड जो है कोई नहीं तोड़ पाया है। इसका दुनिया भर में यूनिट जो बिके थे वो यूनिट्स थे दोस्तों 155 मिलियन यूनिट्स इसके दुनिया भर में बिके हैं, और 18 साल हो गए, इसका रिकॉर्ड जो है अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। तो दोस्तों ये थी कुछ लिस्ट टॉप 5 पॉपुलर गेमिंग कंसोल्स की। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो जो रेड कलर वाला बटन बन के आया है सब्सक्राइबर्स का, उस पर थॉर का हथौड़ा मारो या फिर कैप्टन अमेरिका का शील्ड, मुझे नहीं मालूम, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपका फेवरेट गेमिंग कंसोल कौन सा है ये हमें कमेंट में बताना ना भूले। बाय गाइस।